राजस्थान में फिर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर एक नौकरानी जिसे एक महीने पहले नौकरी पर रखा गया था और ऑनलाइन एजेंसी के माध्यम से उसे घर में काम के लिए रखा गया था, और जिस तरह से वो नेपाल की थी और काम करते करते उसने पूरे परिवार को बाप लिया, पूरे घर को बाप लिया, और जब परिवार के खाने का समय आया तो उसने बेहोश करने की दवा उसमें मिलाई, और जब परिवार बेहोश हो गया तो वह उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक लॉकर था जिसे तोड़ दिया और उसके अन्य साथियों को वहां पर बुलाया और परिवार को बंधक बनाकर बेहोश करके जो नकदी थी, जो ज्वेलरी थी, लेकर फरार हो गई। करिश्मा नाम की नौकरानी जिसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, और इससे पूरे क्षेत्र हैं, पूरे उदयपुर है, उसमें कहीं से लोग थे जो इस तरह के घर में नौकर रखते हैं, उनमें भी कहीं कहीं खौफ देखने को मिला है। घटना उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र है, वहाँ के न्यू मॉडर्न कॉलोनी है, वहाँ की घटना है। संजय गांधी जिनके परिवार में नौकरानी रखी थी, संजय गांधी बिजनेस मैन थे और उनका परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ था, जिस तरह से नौकरानी रखी, ऑनलाइन एजेंसी के माध्यम से संपर्क किया, एक नौकरानी जो नेपाल की थी करिश्मा नाम की, उसको एक महीने से घर पर रखा हुआ, एक महीने तक काम करती रही, उसने परिवार को बाप लिया, घर पर क्या रखा हुआ है, कौन सी ज्वेलरी घर पर रखी हुई है, कौन सा लॉकर कहाँ है, और यह उसने सारी जानकारी जुटाई। जब उसे मौका मिला तो उसने खाने में बेहोश की दवा मिला दी। जैसे ही परिवार बेहोश हुआ तो उसने घर पर अपने कुछ दोस्त थे, साथी थे जिनको बुलाया, चार साथी अन्य थे जिनको घर में प्रवेश कराया, और परिवार के लोग थे जिनको रस्सी से बांध दिया गया। परिवार की एक बड़ी बेटी थी 18 साल की नियोनिका, जिसको कहीं ना कहीं असर कम हुआ उस दवाई का, और उस वह जाग गई। जैसे ही वह जागी तो उसके साथ मारपीट की, उसको लॉकर के पासवर्ड पूछे गए तो उसने लॉकर के पासवर्ड बनाने से इनकार कर दिया। कहीं के उसका साहस था बेटी का कि उसने पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके साथ मारपीट की, उसे रस्सी से बांध दिया गया, और जो आरोपी थे, जो नौकरानी थी, उनके जो साथी थे, वह ज्वेलरी और अन्य चीज़ लेकर फरार हो गए। जो बेटी थी वह बाहर तक पहुँची धीरे धीरे, और जब नीचे तक पहुँची तो सुबह पड़ोसी जाग गए करीब 4:30 बजे, और उन्होंने जब उस घटना को देखा, उस बेटी को देखा, उसके हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा था, तो उन्होंने उसको कैंची से काटने की कोशिश की, और जब अंदर जाकर देखा तो परिवार के लोग बेहोश पड़े हुए थे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो क्षेत्र में सभी लोग हैरान रह गए। मौके पर सुखेर थाना पुलिस पहुंची, जो बेहोश परिवार के लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया, और उनकी बच्ची और बेटे जो जिन पर असर कम हुआ दोनों को होश आया, लेकिन जो परिवार के जो दोनों पति पत्नी हैं उनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने के बाद जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन जो नियोनिका है उसने जो प्रथम दृष्टया बताया कि जो नौकरानी थी करिश्मा, उसके अन्य साथी आए थे जो CCTV में भी देखे गए, और उन्होंने परिवार को बांध दिया, और बांधने के बाद जब उनके नकदी थी, जो लॉकर थे, एक लॉकर को तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन दूसरे लॉकर को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, दूसरा लॉकर नहीं तोड़ पाए। जब उन्हें पता चला कि अब जानकारी पता चल जाएगी लोगों को शक हो जाएगा, तो वहाँ से निकल कर फरार हो गए। अब पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अगर आप किसी भी परिवार में या नौकर को रखते हैं या फिर इस तरह की नौकरानी को रखते हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। जिस तरह से बिजनेसमैन परिवार जिन्होंने घर में नौकरानी तो रखी लेकिन उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया, वह कहाँ की रहने वाली है, उसका क्या पता है, क्या जानकारी है, या शायद उन्होंने नहीं ली थी, इस कारण इस अंजाम को उसने दे दिया। और जब परिवार के लोग इस अवस्था में अस्पताल पहुँच गए, अस्पताल में भर्ती है, पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। SP का कहना है कि परिवार के लोग होश में आएंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मामले में क्या क्या जो नकदी है, गहने हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो चुरा कर नौकरानी लेकर गई है, उनके जो साथी हैं वह लेकर गए हैं। पुलिस नेपाल पुलिस की भी मदद ले रही है, दो टीमें जो नेपाल गई है, और दूसरा पुलिस महकमा है वो उस आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है। उदयपुर में इस तरह की घटना ने सभी को हैरान कर दिया। लोग भी अब कहीं के नौकर और नौकरानी रखने से भी कहीं कहीं उस तरह में देखने लगे हैं कि क्या, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन एजेंसी से उस परिवार ने संपर्क किया, उनको नौकरानी चाहिए थी, लेकिन ऑनलाइन एजेंसी ने जो नौकरानी भेजी थी, जो करिश्मा को भेजा था, वह करिश्मा कहीं के उनके लिए भारी पड़ गई, उनको इस तरह से बेहोश में कर दिया, और जो आज जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।